अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से। और बहुत 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 थैंक यू लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ हेट भी होता है, आप लोगों को पता है। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मुझे लास्ट वीडियो में बहुत से ऐसे कमेंट्स आए जिसमें लिखा हुआ था आप बहुत ज़्यादा फारूक को हाईलाइट करती हैं, ये वो ब्ला ब्ला ना। तो खैर मैं बात क्लियर कर दूँ कि यार जब ये रूम बन रहा था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने सेलेक्ट की हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी हैं जो फारूक ने पसंद की हुई। और फारूक को शौक है कि लाइक जिस तरह होता है ना, औरतों में शौक होता है लेकिन मेरे में थोड़ा कम है, फारूक में थोड़ा ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल जो है हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, ये चीज़ इस तरह हो, ये चीज़ यहाँ पर लगनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ जो है वो उन पे डिपेंड करती है। और उन्होंने पूरा वो रूम जो है ना सेट किया हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। मेरी सिर्फ थोड़े बहुत आइडिया से, जिस तरह ड्रेसिंग का मैंने बताया कि मैं सामने ड्रेसिंग में देखने लगी, तो खैर ड्रेसिंग का मैंने बताया कि थोड़ा सा आइडिया सिर्फ मेरा था, बाकी ऑलमोस्ट सारा आइडिया फारूक का था। वार्डरोब एरिया का आइडिया मेरा था, वो मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे बैग्स हैं जो कि फारूक की चॉइस के हैं। फारूक को बहुत शौक है बैग्स का, खास तौर पे कि मेरी बीवी के पास ये बैग हो, मेरी बीवी के पास ये बैग हो। तो कुछ लोगों को नहीं होता, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, इससे पहले कि थोड़ा और डिले होता जाए। लेकिन मैं क्लियर कर दूं चीज़ कि यार उसको शौक है और वो ये करता है, ठीक है। वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, वो वीडियोज़ में या मेरे साथ व्लॉग्स में नहीं आते, बट डजेंट मीन कि उनको मेरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे से ज़्यादा मेरी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट होता है। मैं बहुत लेज़ी टाइप हूँ कि यार कुछ आ रहा है मतलब पसंद तो ले लूँ ना लूँ तो, लेकिन ही इज़ द वन जो मुझे फोर्स कर रहा था कि यार लो लो तुम्हें पसंद है लो, मतलब वो इस तरह का है। तो ये चीज़ है कि अगर वो वीडियोस में नहीं आते तो आप उनको जज नहीं कर सकते इस चीज़ पे। एंड इसमें भी बहुत से बैग्स इस तरह के जो फारूक की चॉइस के हैं। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कुछ बैग्स यहाँ नज़र आ रहे होंगे, कुछ यहाँ नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा आगे बैठ गई हूँ तो वो जो है ना बैग्स थोड़े छुप गए। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे इस बैग से, क्योंकि ये बैग जो है ना जनाब, इतने लोगों ने पूछा है कि कहाँ से लिया है, कैसे आया और ये वो। खैर ये वाला बैग जो है ना, ये मेरा मैंने अभी रिसेंटली लिया था दुबई से, एल्डो से। और इसका सीन ये है कि मैंने जब पाकिस्तान आई ना तो रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी अम्मा के लिए भी एक लेना चाहिए था। तो मैंने इतने पेजेस से बात की कि यार ये मुझे कोई सोर्स करवा दे, वहाँ पर भी ये लास्ट था दुबई मॉल की आउटलेट में, भी कहीं और हो। तो मैंने जब यहाँ आके इसको ढूंढना शुरू किया तो मुझे भी नहीं मिला। फिर मैंने एक और है इटली में मेरी फ्रेंड, उसको कहा, उसने कहा कि यार हमारे रीजन में ये चीज़ नहीं है ये वाला, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं। तो ये वाला बैग जो है ना मोस्ट वायरल बैग हुआ है आजकल, ये नहीं मिला। और अब आप लोगों की लाके मे भी आप लोग कहीं से ट्राई करें और आप लोगों को मिल जाए। ढूंढने से क्या चीज़ नहीं मिलती, तो आप लोग ढूंढ सकते हैं। और अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बता दें कि हमें ये मिल गया। फिर बहुत सारे बैग इस तरह के जो मैंने यूज़ ही नहीं किए और मुझे याद भी नहीं था। ये मैंने मेकअप बैग लिया था आई थिंक राजा साहब से, नहीं ये मॉडल टाउन में एक शॉप है जहाँ से मैंने बहुत से बैग्स लिए थे, और वो लोकल शॉप है और बहुत रीजनेबल बैग्स मिलते हैं। बहुत से ऐसे बैग्स यहाँ पे पड़े हुए जो मैंने वहाँ से लिए थे, मैं आप लोगों को बता भी दूंगी। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है उनके लिए, लोगों को लग रहा होगा जी मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने खुद खरीदे हुए। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ जिसकी तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। खैर ये मेकअप बैग था जो मैंने वहाँ से लिया था और आज तक इसको यूज़ नहीं किया, और मुझे याद भी अब आया जो मैंने सारे बैग्स निकाले कि मेरे पास ये भी है। अच्छा एक बैग मैंने ये लिया था वहाँ से, ठीक है, ये भी बहुत वायरल हुआ हुआ था बैग, बट असल में ये बहुत एक्सपेंसिव था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं लिया, मैं बैग्स बहुत कम लेती हूँ कि एक्सपेंसिव हों। हाँ लोकल मैं कहती हूँ कि एक्सपेंसिव, जहाँ आपने एक लेना है वहाँ लोकल आप 8-10 भी ले सकते हो। तो ये मैंने लिया था, ये भी सस्ता नहीं था, ये था 10,000 का और ये फर्स्ट कॉपी है तो कोई भी पहचान नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ भाई अपनी ऑडियंस के साथ। एक ये बैग है, ये जो है प्राइमार्क से लिया था, मेरी मुमानी लाई थी रिसेंटली। और फिर शुरू करते हैं जी हम इन बैग से, ठीक है। ये वाला बैग आ जाता है सबसे पहले, ये है केट स्पेड का बैग और ये फारूक ने ही मंगवाया था। जैसा कि आई टोल्ड यू गाइस कि बहुत से इस तरह के बैग्स होंगे जो कि फारूक की चॉइस के हैं। तो एक ये बैग है उनमें से, ये पिंक कलर है और इसमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों उस तरह का कलर आ रहा है, थोड़ा लाइट कलर, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा जो है ना हमने घूम फिरने में टाइम इतना ज़ाया किया है ऑनेस्टली, और इतना सामान हम ले जा नहीं सकते, इतना इतना अलाउ नहीं होता। ये है जी टॉमी का बैग, ये मैंने खुद लिया था शादी से पहले, पर मुझे बड़ा पसंद है, थोड़ा ख़राब भी हो गया तो मैं इसको साथ ले आई। बाकी बैग्स मेरे बहुत से इस तरह के जो मामा की तरफ है और मैंने अभी तक उनको यूज़ नहीं किया यहाँ आके, मतलब मैं लेके ही नहीं आई। एक ये वाला बैग है, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये बैग कहाँ से लिया, जब मैंने एक पिक्चर में लिया था इंस्टाग्राम पे। तो ये बैग जो है ना, ये मैंने लिया था 8,000 का आई थिंक, और ये बड़ा वायरल हुआ हुआ था उन दिनों में। और ये बैग था वही इंटरनेशनल मार्केट में जो मैंने बताया कि बैग शॉप है वहाँ से, ठीक है। ये एक मुझे पेज से आया है मूनलाइट से, रिसेंटली आया है, ये बहुत ही प्यारा है और इसको भी आप पहचान नहीं सकते, मज़े की बात है। इसके साथ पूरी स्लिप भी आई, उन्होंने कहा है कि इट्स वेरी वेरी क्लोज टू ओरिजिनल बैग। तो ये इस तरह से है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद एक ये बैग है, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मैं बता रही हूँ बहुत से इस तरह के बैग्स हैं जो मैंने अभी लाइक वीडियो के लिए निकाले और मुझे याद आया कि मेरे पास तो यार ये बैग भी और ये बैग भी और ये बैग भी है। तो ये मंगवाया था मैंने शीन से बहुत पहले, लाइक शादी से भी पहले,
और एक बैग ये वाला है, ये मैंने खुद लिया था वाइब से। कहाँ गए थे ये, शादी से पहले मैं और फारूक गए थे, एक एग्जीबिशन थी, जब नाम याद नहीं आ रहा कहाँ पे थी, तो खैर ये मैंने वहाँ से लिया था वाइब से। ये बहुत ही प्यारा है और कलर बहुत खूबसूरत है इसका, ठीक है। ये भी आज तक मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाई ऑनेस्टली। अच्छा, और ये भी मैंने यूज़ नहीं किया आज तक, इसके साथ ये भी है, ठीक है। ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था समन ने बाय द वे से, बहुत ही प्यारा है। अब मैं सोच रही हूँ इसको निकालूँ, ये सारे बैग्स निकालूंगी यार। असल में आई एम फाइंडिंग कोई इस तरह का जो है ना लाइक स्टैंड या कुछ भी कि मैं अपने बैग्स हैंग कर सकूँ। अच्छा, ये वाला भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार ये कहाँ से आपने लिया, ये मैंने टॉट बैग यूज़ किया है सारा अपने ट्रिप में। तो ये है कोच से, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ लाई थी कैनेडा से, तो ये है कोच का बैग, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी इस बैग पे। ये बैग मेरा नहीं है, मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिया क्योंकि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ईद, क्योंकि मैंने ईद पे देना है और मैं बता नहीं सकती कि मैंने किसको देना है, बट ये मैं उनके लिए लाई थी। और जब मैंने ये वाला बैग लिया था ना, तो ये दोनों मुझे साथ में ही मिल गए थे और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गए थे। ये भी आल्डो का बैग है, ये है काफ़ी पेजेस पे, आप लोग ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, क्योंकि ये बहुत से पेजेस पे अवेलेबल है। अच्छा, फिर आ जाता है जी ये वाला, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था कि यार ये कहाँ से लिए, क्योंकि ये वो वाले बैग्स हैं जो आप मेरी वीडियोज़ में अक्सर देखते रहते हैं। ये वाला बैग जो है ना, ये है पोलो बवेलरी का, बवेलरी हिल्स का, और ये मैंने शाइना के लिए भी लिया था, अपने लिए भी, ये मैं सऊदीया से लाई थी, ठीक है जी ये वाला। और ये बहुत मज़े का बैग है, बहुत मज़े का, बहुत स्पेशियस भी है। अच्छा, ये वाला भी आज तक मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया एक दफ़ा भी, और अभी तक इसके अंदर भी स्लिप्स विप्स पड़ी हुई हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था शादी से पहले मेरी बर्थडे पे, और ये है फ्रॉम खाडी है, और चीज़ें गिरने लग गई हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी ये वाला बैग, एक ये बैग और एक ये वाला बैग जो है ना, ये मैंने लिए थे टर्की से। टर्की में शॉपिंग इज़ सो चीप, लाइक बहुत सस्ती शॉपिंग है, और मैं तो लाइक अब पछताती हूँ कि मैं जब वहाँ से आई हूँ तो उसके बाद मैंने क्यों सोचा है कि मैं अब चीज़ें लेती और ये वो। वहाँ पे होते हुए मुझे था कि यार बहुत फजूल खर्ची है, आप घूमने आए हो, घूमने पे फोकस करो ये वो, पर मैंने बहुत पछताया पाकिस्तान आके। इसलिए कोई भी टर्की का प्लान कर रहा हो तो प्लीज़ आप लोग शॉपिंग खुल के कर आना, बहुत अच्छी और रीज़नेबल शॉपिंग होती है। ये बैग्स मैं वहाँ से लाई थी दोनों, और जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाली लेन। अच्छा, ये वाला बैग जो है इट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। ये भी था अराउंड 4000 या 4500 इस तरह से, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड वेरी क्लोज टू ओरिजिनल वाला, आप पहचान नहीं सकते कि इट्स कॉपी और ओरिजिनल, ठीक है। फिर आ जाता है जी ये वाला बैग, ये बैग है फ्रॉम एल्डो, या ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी मेरे लिए, ये भी एल्डो का बैग है। फिर आ जाता है जी ये वाला, ये फारूक ने लिया था, इट्स फ्रॉम गेस, और थोड़ा सा इस तरह हो गया यहाँ से टेढ़ा, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ था सबके साथ। इसलिए मैं चाह रही हूँ मुझे ना कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ, लाइक कोई कबर्ड या कुछ भी, जो मैं अपने बैग जो है ना सही तरीके से रख सकूँ, ठीक है। फिर है जी इसकी बारी, आप लोग देख सकते हैं अभी भी टैग्स लगे हुए। असल में मुझे बैग यूटिलाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिला, जो कि मैंने खुद सोचा है अब कि मेरा कसूर नहीं है, ये टाइम का कसूर है। ये बैग है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, और ये बहुत सस्ता था, ये आई थिंक था 2000 का, और डिस्काउंट में उसने मुझे 1800 का दिया था। ये एक मैं लेकर आई हूँ और एक शाइना लेकर आई थी, शाइना के पास भी सेम इस तरह का है, बहुत ही प्यारा है। फिर आ जाती थी नेक्स्ट ये वाला, ये भी है फ्रॉम एल्डो, बहुत ही खूबसूरत है ये वाला भी, और ये भी फारूक ने लिया था, बहुत प्यारा। ये सबसे मज़े की चीज़ इसकी ये वाली है कि ये आप कार्ड वार्ड इसमें रख सकते हो, आपको हमेशा बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी बहुत मज़े का है। फिर आ जाता है जी ये वाला, और एक पीछे गिर गया। अच्छा, फिर आ जाता है एक ये वाला, ये ए स्टोर का है, पर ये मैंने खुद नहीं लिया, मुझे शाइना ने गिफ्ट किया है, ये ए स्टोर से, ऑनलाइन आप लोग चेक कर सकते हैं ए स्टोर, ठीक है। फिर आ जाता है जी ये वाला, ये भी मुझे फारूक ने दिया है, इट्स फ्रॉम जाफर जीज, ठीक है जी, ये भी बहुत प्यारा है। अच्छा, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस साइड वाली से, अब मुझे इधर घूमना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला है, ये मुझे एक पेज से आया था, अगर आप में से किसी को पसंद आए तो मुझसे पेज का नाम पूछ लें, क्योंकि मुझे पेज का नाम नहीं याद आ रहा, मैंने बहुत दिमाग लड़ाने की कोशिश की है। ये है कर्ट गाइगर का, बहुत ही प्यारा है, ठीक है, ये एक पेज से आया था। अच्छा, अगैन फ्रॉम एल्डो, ये मैं सऊदी अरब से लाई थी अभी जब गई थी, क्योंकि मुझे इतना पसंद आया था, मैंने कहा था नहीं भाई ये तो मैंने लेना ही लेना है, ठीक है। ये वो वाला हिसाब है कि आपको दिल आ जाता है किसी चीज़ पर। अगैन फ्रॉम एल्डो, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी मेरे लिए, इट्स फ्रॉम एल्डो, बहुत ही प्यारा बैग है, ठीक है। फिर आ जाता है जी ये कोच का, ये ओरिजिनल नहीं है। ये वाला इतना सस्ता मुझे मिला था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मुझे था कि यार इतना सस्ता भी बैग हो सकता है, और था, यस ये था 1200 का,
एंड ये काफ़ी स्पेशियस है. मैंने बेशक इसको अभी तक यूज़ नहीं किया बट ये 1200 का है और ये वही इंटरनेशनल मार्केट से मैंने जो लिया था, मैंने आपको बताया था. ये मैंने शादी से पहले लिया था पर इससे मेरा दिल आ गया था और मैं इसलिए यहाँ भी लेकर आई हूँ. थोड़ा सा यहाँ से ख़राब भी हो गया बट स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती. ठीक है, और मैं इसको लेकर आई. ये अलमास से दिया था मैंने, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, बहुत ही प्यारा. शादी से पहले ईद पे आए थे दो, मुझे एक ये वाला और और एक ये वाला. तो ये दोनों जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे. आई थिंक ये पाकिस्तान में किसी ब्रांड से हैं दोनों, बहुत मजे के हैं. ठीक है, फिर आ जाता है ये वाला. ये मुझे बड़ा पसंद है, इसका कलर बहुत प्यारा है, इट्स अ रोज़ गोल्ड कलर. ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है एक ये वाला. ये बड़ा क्लासी है, ये इस तरह से आप लोगों ने मेरी रिसेंट पोस्ट में देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे. मे बी अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैंने किस तरह कैरी किया हुआ था. ठीक है, फिर आ जाता है ये वाला छोटू सा जिसमें मेरी सेविंग्स इतनी होती हैं कि इसमें आ सकती हैं. ये मुझे दिया था शायना ने, बहुत प्यारा है. ये मैं साथ ले आई थी क्योंकि बहुत इस तरह के बैग मैं साथ नहीं लेकर आई. अच्छा, और एक फिर आ जाता है ये वाला वाइट, ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया. ये है फ्रॉम ट्रेंड्स बाय फातिमा, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, ये वहाँ से मुझे पीआर में आया था. बहुत ही प्यारा है वाइट कलर में. ठीक है, फिर आ जाता है जी एक ये वाला बैग. मुझे पता है बहुत से लोग मुझे इस पर गालियाँ देने वाले हैं बट प्लीज़ सब्र और तहम्मुल से मेरी बात सुन लें, क्योंकि जब ये मैंने लिया था ना तो ज़ारा का कोई ऐसा सीन नहीं था, इस फ्रॉम ज़ारा. और बहुत से लोग कहेंगे आपने फेंका क्यों नहीं, आपने बैग कलेक्शन में क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे ये पसंद था. ठीक है, मैं इसको टैग नहीं करती, मैं लगाती नहीं हूँ, मैं लेके नहीं कहीं निकलती इसको. ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था H&F यहाँ पे. ठीक है, ये मैं मतलब हफ्सा फारूक, तो ये कस्टमाइज़ मैंने बनवाया था ज़ारा से और सोर्स करवाया था फ्रॉम योर लिटिल शॉप. पेज का नाम है फ्रॉम योर लिटिल शॉप इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़ारा ही कराने. आई थिंक उन्होंने खुद भी अब बंद कर दिए होंगे सोर्स करना. आप लोग किसी और पेज से किसी और ब्रांड से कुछ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इनको मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं इनको भी अगर कुछ सोर्स करवाना है और इनको भी. अब मुझे इनका पेज ना, हाँ, स्टाइल बाय अलियाना याद आ गया मुझे, आई थिंक यही है स्टाइल बाय अलियाना. आप लोग इनको भी मैसेज कर सकते हैं और इनको भी अगर आपने कुछ भी सोर्स करवाना. दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट H&F की वजह से, वरना मैंने इसको यूज़ नहीं किया. और मैं लेके गई थी वहाँ सऊदी अरब जब भी पीछे ज़ारा वाला सारा सीन हुआ, फिर मैंने वहाँ भी जाके यूज़ नहीं किया इसको. अच्छा, ये है फ्रॉम LSY, नहीं ये है केट स्पेड का बैग है, एंड फ्रॉम माय सिस्टर इन लॉ अगैन. अच्छा, और फिर आ जाता है हमारे पास ये वाला, ये भी फेक है, नॉट ओरिजिनल. ये वाला मैंने जो है लिया था कितने का, आई थिंक 15 का नहीं है, ये 10 का ही है, क्योंकि 10 का ये था और 10 का वो वाइट टॉट बैग था. हाँ, यस, 10 का 10,000. ठीक है, और ये भी वेरी क्लोज टू ओरिजिनल, लाइक आप पहचान नहीं सकते कि इट्स फेक और ओरिजिनल. फिर आ जाता है कि ये वाला, ये है MG's की तरफ से, ऑनलाइन उनका पेज है, बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने मार्केट जाना है आराम से इसमें डालो पैसे और ले जाओ. अच्छा, ये वाला है एक पेज से, अब ग्लिटरी शॉप, मुझे पेजेस के नाम याद नहीं रहते यार, माजरत ख्वाह हूँ इस बारे में. ठीक है, उस ग्लिटरी शॉप पे मेरा ख्याल है कि यही है, ग्लिटर्स है या ग्लिटरी शॉप है, वहाँ से मुझे आया था, वेरी वेरी क्लोज टू ओरिजिनल. मैंने जो है ना इसको खुद देखा है, मैं सऊदी अरब में थी, मैं MK पे गई और मैंने इसको और उसको दोनों को दुबई में रख के देखा, ऐसे साथ जोड़ के देखा, और 19-20 का जो फ़र्क होता है ना जनाब आला, वो फ़र्क भी इसमें नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था. ठीक है, इतना क्लोज टू ओरिजिनल है ये. अच्छा, फिर आ जाता है कि ये वाला, ये है स्टेटमेंट इन को से, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ईद पर. और एक ये है, इट्स फ्रॉम बाय द वे, आई डोंट नो बाय द वे है कि नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से बाय द वे का नाम नहीं सुना. ये फारूक को बड़ा पसंद आ गया था एंड ही गॉट मी ये वाला. ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं जी क्लचेस. क्लचेस बीच बीच में आप लोगों को दिखा भी दिए बिकॉज बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट किए बगैर. अच्छा, ये जो है ना MS, अब मुझे याद नहीं आ रहा ये MS स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्योंकि ये मुझे आया था, आया नहीं था, मैं एक जगह पे एग्जीबिशन पे गई थी तो उन्होंने मुझे ये दो जो है ना गिफ्ट किए थे रेजिन आर्ट में, इतने ये खूबसूरत हैं. इसके ऊपर ना मैंने ये किया हुआ है कवर, और इसके ऊपर भी किया हुआ था ताकि ये ख़राब ना हो, मुझे लगता था कि ख़राब हो जाएंगे ना, इससे उतारा मैंने, इससे उतारना मैं भूल गई. तो ये रेजिन आर्ट के हैं दोनों क्लचेस, और ये इतने खूबसूरत हैं, काफ़ी स्पेशियस भी हैं, मैं दिखा भी देती हूँ ये. ठीक है, अब MS मुझे याद नहीं आ रहा कि ये MS स्टैंड्स फॉर व्हाट. ठीक है, अगर MS देख रहा है तो मुझे बता सकता है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. और उसके बाद आ जाते हैं जी इन बैग्स पे. अच्छा, ये तो मैं खुद लाई थी करकी से, डिफॉल्टर से, और बहुत सस्ता मिल गया. और ये बैग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत रीज़नेबल भी था. अच्छा, ये मैंने यूज़ एक दफ़ा सिर्फ किया है, इट्स फ्रॉम समन, और मुझे याद नहीं आ रहा कि समन ने किस मौके पे मुझे गिफ्ट किया था. अगर समन देख रही है तो उसको याद आ जाएगा कि उसने मुझे किस मौके पे ये तोहफ़ा दिया था, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा, बट ये दिया समन ने, ये मुझे याद है, बहुत ही प्यारा है.
और ये भी इस तरह से लाइक ये रेड और ये वाला जो है ना सेम ही है लाइक इनका डिज़ाइन, ठीक है जी। फिर आ जाता है ये वाला, ये मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया था, इट्स फ्रॉम गुची और ये ओरिजिनल है प्लस वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये टूट गया है बट स्टिल मैंने इसको फेंका नहीं है क्योंकि वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ठीक हो गया। फिर आ जाता है जी एक ये वाला, ये वैली बैग लाइक आप लोग यहाँ कमर पर बांध सकते हैं, आपने शोल्डर लेना है एज अ शोल्डर बैग इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स फ्रॉम डिफॉल्ट टर्की, ये भी मैं टर्की से लेकर आई थी, ये मैं और शाइना दोनों लाए थे, एक उसके पास है एक मेरे पास है। फिर आ जाता है एक ये वाला, ये आई थिंक फारूक ने उमरे के ड्यूरिंग उमरा इसको यूज़ करा था, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा नहीं। अच्छा ये है टेड बेकर का, इट्स फ्रॉम माय मदर इन लॉ के लिए, माय ब्रदर इन लॉ एंड माय भाभी, ये मुझे वसीला भाभी ने दिया था फ्रॉम टेड बेकर। बट इसका यार ये सीन है कि जब तक आप इसको सीधा ना रखो ना ये ऐसे हो जाता है, फोल्ड हो जाता है और सारा इस पर हो जाता है। मैंने इसके अंदर बैग्स फिल करके रखे ताकि थोड़ा ये सेट रहे, ठीक है। और यहाँ के लिखा हुआ है नेवर विदाउट माई टेड बेकर बैग, या इट्स वेरी कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये सारी वीडियो थी जो मेरे बैग्स के रिलेटेड थी, आप लोग डिटेल देख सकते हैं। और अगर किसी ने कुछ पूछना है कि ये बैग कितने का, ये कितने का, ये कितने का, तो आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक। अच्छा जिस टाइम मैंने ये वाले दो बैग लिए थे ना, अपना अंदर के राज खोल खोल के बता रही हूँ, कोई ब्लॉगर आपको इतने राज बताता है अंदर के जितने मैं बताती हूँ, इसलिए आपको मुझे मोहब्बत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना चाहिए। जो ये वाले बैग्स हैं ना, ये मैंने लिए थे दुबई मॉल से और दोनों मुझे ऑफ़ में मिले थे और बहुत अच्छा ऑफ था, ऑनेस्टली बहुत अच्छा ऑफ था। ओह ये तो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, बहुत अच्छा ऑफ था। तो आप लोग अगर कोई जानने वाला रहता है, साथ रख लूँ उसको मैं, कोई आपके जानने वाला है दुबई में या सऊदी अरब में, उसको पता हो कि एल्डो पे सेल किस टाइम लगती है, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके उनसे मंगवा सकते हैं क्योंकि सेल्स में बहुत अच्छे बैग्स मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली एक जो ये वाला बैग है ना, इसको भी मैंने रैप किया हुआ क्योंकि ना मुझे था कि इसका जो ये कपड़ा है ना ये ख़राब ना हो जाए या इस पर डस्ट ना आ जाए, क्योंकि बहुत प्यारा बैग है। ये मुझे दिया था मारुख ने, मारुख मोहसिन, आप लोग उनको फॉलो भी कर सकते हैं जाके इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ उसका लिंक दे दूंगी अगर किसी को चाहिए हुआ तो। ये मारुख ने मुझे मेरी बर्थडे पे भिजवाया था एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था क्योंकि ये ना बहुत डिफरेंट कलर था। थैंक यू मारुख वंस अगैन, क्योंकि आया तो मुझे पिछले साल था बट स्टिल बहुत ही प्यारा। थैंक यू मारुख वंस अगैन। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ आप लोगों को इसमें से कुछ भी पूछना हो ना कि ये कहाँ का, ये कहाँ का, अगर आप लोग भूल जाएं या किसी भी जिस तरह ट्रेंड्स बाय फातिमा ने मुझे भेजा हुआ है या और काफ़ी ज़्यादा पेजेस का मैंने बताया कि आए हैं, एमएस का मैं ढूंढ लूँगी अगर किसी को बाकी चाहिए हुए ये वाले जो रेजन आर्ट के थे, ये वाला और यहाँ पे एक और पड़ा हुआ था ग्रीन वो वाला, तो आप लोगों को अगर वो बाकी चाहिए हुए तो मैं ढूंढ लूँगी पेज आपके लिए इनके, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको पेज चाहिए तो आप लोग बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हो। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वाला बैग एक इंटरनेशनल शॉप का है, ये वाला है तो उनका पेज ऑनलाइन भी है, वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं, आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार इतने रीजनेबल बैग्स हैं इनके पास, तो आप लोग उनको मैसेज कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पर आप लोग पूछ सकते हैं। कॉमेंट्स में जो है ना मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मैं आज एक यही चीज़ मैंने अपने फॉलोअर को मैसेज किया बिकॉज सॉरी जिस टाइम मेरी शादी थी ना, मेरी शादी के दिनों में एक लड़की ने लिखा हुआ था कि क्या आप इस मोटी भैंस का ही कवरेज करते रहेंगे शादी का और ये वो, और शादियां भी हैं आप किसी और को भी दिखाएं, क्या आपने इसकी शादी ट्रेंड लाइक वो बड़ी उसने ना वो बात की हुई, तो मुझे बड़ा फील हुआ जब मैंने ऐसे ही खोला तो मैंने कहा देखती हूँ लड़की मुझे फॉलो करी और येस ही वॉज फॉलोइंग मी। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको सिर्फ एक मैसेज किया, मैंने कहा देखो जब मैंने मैसेजेस खोले ना, जब मैंने ऊपर देखा तो उसने मुझसे ना पूछा हुआ था लाइट्स कहाँ से आई हैं, मैंने तब उसको बताया, उसने मुझसे पूछा वलीमे का ड्रेस कहाँ का, मैंने तब उसको बताया, लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ मैंने उसको जवाब दिया हुआ था। तो मुझे इतना फील हुआ कि यार मैं आपके साथ इतना करती हूँ, सबके साथ, सिर्फ ये नहीं कि उसके साथ, कि कोई भी ब्लॉगर है या व्लॉगर है आपको रिप्लाई नहीं करते, बहुत मुश्किल है। मैं रजब की इसलिए फ़ैन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहली दफ़ा कोई किसी का नाम ले रही हूँ रजब फैमिली का, क्योंकि वो हर बंदे को इस तरह ट्रीट करते जैसे वो उसकी अपनी फैमिली है। एंड आई एम द सेम कि हाँ मैं मिल नहीं सकती, जाहिर है वो लड़का है वो सबको बुला सकता है मिल सकता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं हर बंदे को रिप्लाई करती हूँ, मैक्सिमम रिप्लाइज करती हूँ। मेरी जो रूम वीडियोस पे भी लोगों ने पूछा कि लाइट कहाँ से लिया, मैंने एक एक बंदे को बताया कि यार मैंने यहाँ से लिया, लिंक मेरे पास नहीं था बट जहाँ से मैंने परचेज की थी, फारूक ने परचेज की थी, मैंने वो ज़रूर बताया। मैंने लोगों की तरह शोखियाँ नहीं मारी कि यार मैंने जी ये इम्पोर्ट कराई है, दुबई से आया है, मेरा सऊदी अरब से सामान है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने उस लड़की के मैसेजेस खोले ऊपर, मैंने उसको सारी चीज़ों के जवाब दिए हुए थे जो जो बात मुझसे पूछ रही थी, मुझे इतना फील हुआ कि यार आपको मैंने इतनी जवाब दिए हैं, आपने किस मुंह से मुझे वो कमेंट किया है, और मैं हैरान इस चीज़ पे थी कि आप लोग इसका मतलब है कि फ़ायदा उठाते हैं और वो लोग सही करते हैं फिर जो रिप्लाई नहीं करते, मुझे बहुत बात फील हुई। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा गुरेज क्या करें, अगर आप लोगों को कोई हेट कमेंट जहन में आ रहा है, दिल में आ रहा है कि हम इसको बोल दें, तो प्लीज़ अपने तक रख लिया करो, अगले की दिल आज़ारी करने से बेहतर है कि आप अपने तक वो चीज़ रखो। मैं यही दुआ कर सकती हूँ। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम ऑलवेज़
here for you guys. और आप लोग मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पैसे लेके लोगों को प्रमोट कर रही हूँ, ये कर रहा है. मैं बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं फ्री काम भी कर देती हूँ बिकॉज उन्होंने जस्ट स्टार्ट लिया अभी. तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको कौन हेल्प आउट करेगा. तो खैर यहाँ पे मुझे इजाज़त दे, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ज़रूर देखिएगा. कोई भी सवाल है, कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ लें, वो बस मुश्किल हो जाता है मेरे लिए. बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ब्लॉग्स. और ढेर सारा अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का है. बाकी मुझे दे यहाँ पे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़. अभी जब मैंने वीडियो बना ली सारी, मुझे एकदम याद आया कि कुछ पीछे भी गिरा था. तो मैंने जब देखा तो वो ये वाला बैग था. ये वाला बैग मुझे फारूक ने दिया था बहुत ऐसा पहले, बिल्कुल शुरू शुरू में यूनिवर्सिटी के, लाइक वी वर फ्रेंड्स. और मेरी बर्थडे थी एंड ही गॉट मी दिस. ये खाड़ी से लेकर आया था, बहुत ही मज़े का है. तो ये तब से मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है.